कांगड़ा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद राजन सुशांत ने विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों को एकजुट कर बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस, किसानों व बागवानों की समस्याओं के खिलाफ 15 मार्च के बाद एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा व आगामी विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन को रूप देने की भी राजन सुशांत ने बात कही है। कांगड़ा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद राजन सुशांत ने सर्किट हाउस बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कर्मचारियों के मुद्दों पर सरकार को घेरने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस, हाई पे ग्रेड न देने के साथ साथ सिक्स पे कमीशन, जो कि जनवरी 2016 से शुरू होना चाहिए था, जिसे 6 वर्ष तक लागू न करके सरकार ने आर्थिक तौर पर कर्मचारियों को जो पीड़ा दी है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वहीं पूर्व सांसद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखते हुए इन्हें लागू नहीं किया गया तो 15 मार्च के बाद विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर कर्मचारी प्रदेश सरकार का घेराव करने को मजबूर होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला है प्रदेश के लगभग 1.5 लाख एनपीएस कर्मचारी भाइयों के लिए ओपीएस और दूसरा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बुरी तरह से शोषित और पीड़ित हिमाचल की जनता को मुक्त करा के एक सशक्त विकल्प बना के एक सरकार नहीं बनाना। आप जानते हैं कि 2003 से जो भी कर्मचारी अधिकारी आए हैं उनको ओपीएस नहीं मिलता है, उसके वजह से आज जिनको 50% पेंशन मिलनी चाहिए थी सैलरी की उनको 5% 4% मिल रही है और जो रिटायर होकर अभी पिछले साल से आए हैं उनके लिए जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। इसके लिए मैंने अपने MLA MP की पेंशन छोड़ रखी, फतेहपुर में धरना चलाया, 316वां दिन है और अब 25 तारीख से हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। अब हम इस कर्मचारी आंदोलन को जन आंदोलन, इसके लिए पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान होगा और फिर आने वाले विधानसभा सेशन में एक बड़ा रूप जन आंदोलन का दिखेगा। दूसरा है प्रदेश के अंदर बीजेपी से सारे वर्ग दुखी हैं, इनको बदलना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस सोचती है हमें बैठे बैठाए कुर्सी मिल जाएगी क्योंकि फ्रेंडली मैच है, इस बार हम भी होने नहीं देंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बोलते हैं चोर चोर मसरे भाई है, इसलिए ये इनका जो गठबंधन है ये टूट जाएगा। इसलिए मैंने तय किया है कि अपने साथियों के साथ जितने भी हिमाचल के रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको मिला करके सामाजिक संगठन हों, दूसरे वर्ग हों, पेंशनर्स हों, सेब वाले हों, दूसरे वर्ग हों, जो भी हैं, बेरोजगार नौजवान हों और अच्छे अच्छे लीडर्स को इकट्ठा करके एक अम्ब्रेला के नीचे हम इकट्ठे करेंगे और एक बड़ा आंदोलन 15 मार्च के बाद हिमाचल की धरती पर होगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा और बाकी ओपीएस और साथ में बागवानों के मसले, किसानों के मसले, ऐसे सारे मसले, सीमेंट का मसला, ऐसे मसले जोड़ के बहुत बड़ा आंदोलन और निर्णायक आंदोलन लड़ेंगे। सूर्य चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।